हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानी। सो फ्रेंड्स, टाइटल देख के आप सभी को पता चल ही चुका है कि आज मैं आप लोगों के साथ आसाम की ट्रेडिशनल बिहू नाचनी यानी बिहू डांस के टाइम जो आसाम की लड़कियां जैसे मुगा रिहा पहन के अपना लुक क्रिएट करती है, मैं वही लुक क्रिएट करके आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ अपने फेस को मॉइस्चराइज कर ले रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है मेकअप से पहले। मेरी फेस अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद मैं यहाँ पे सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। आप अगर डे में ये वाला लुक क्रिएट करते हो तो अपने फेस पे सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कर लो, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सनस्क्रीन से हमारे स्किन को सन से प्रोटेक्शन मिलती है और हमारा फेस डल नहीं होता। अगर नाइट में आप ये वाला मेकअप लुक ट्राई कर रहे हो तो आप सनस्क्रीन स्किप भी कर सकते हो। और अभी मैं अपने सारे ओपन पोर्स को लॉक करने के लिए और अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए मैं अभी प्राइमर अप्लाई कर ले रही हूँ, और इसके बाद अभी मैं अपने आईब्रोज को एक अच्छा शेप दे दूँगी। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे पैक का आईब्रो पोमेड और एक फ्लैट एंगुलर ब्रश लेके अपनी आईब्रोज को फिल कर ले रही हूँ। आप कोई सा भी आईब्रो पोमेड या आईब्रो पेंसिल ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है, और अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में आईब्रो पेंसिल चाहिए तो आप स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल ट्राई कर सकते हो। सो अभी मैं एक स्पूली के हेल्प से जो मैंने प्रोडक्ट अप्लाई किया था उसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं ऑफ कैमरा मेरी दूसरी आईब्रो भी ड्रॉ कर लूँगी, और यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ अपने आईब्रोज को अच्छे से क्लीन करने के लिए। सो एक स्मॉल फ्लैट ब्रश लेके मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ उसी लिक्विड कंसीलर से। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अफोर्डेबल रेंज में एक अच्छा लिक्विड कंसीलर चाहिए तो आप स्विस ब्यूटी का ये वाला कंसीलर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है ये कंसीलर। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मेरी यहाँ पे एक आईब्रो अच्छे से क्लीन हो चुका है, और अभी मैं दूसरे आईब्रोज को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, हम लोग आईब्रोज को फिल करने के बाद ये स्टेप क्यों फॉलो करते हैं ये मैं आप लोग को बता दूँ। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग आईब्रोज को फिल करते हैं तो थोड़ा सा प्रोडक्ट इधर उधर लग जाता है। सो अगर हम लोग कंसीलर से आईब्रोज को क्लीन करेंगे तो हमारे आईब्रोज को एक डिफाइंड लुक मिलेगा, इसीलिए हम लोग ये वाला स्टेप फॉलो करते हैं। सो या आप लोग देख सकते हो आईब्रोज कितने अच्छे से डिफाइन हो गया। अभी मैं एक कंसीलर लेके अपने आईलिड पे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ, और एक ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ अपने आईब्रोज के लिए। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक आई शेडो पैलेट लेके वहाँ से वाइट कलर को पिक करके अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई कर ले रही हूँ मेरी आईब्रोज को सेट करने के लिए। और इसके बाद मैं एक पिंक कलर को पिक करके अपने क्रीज पे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ, और उसे स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर दे रही हूँ अच्छे से। और अभी मैं एक ब्राउन कलर को पिक करके अपने आउटर वी पे अप्लाई करके अपने क्रीज तक लेके उसे अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। और नेक्स्ट अभी मैं फिर से एक लाइट ब्राउन कलर को पिक करके अपने आउटर वी पे अप्लाई कर ले रही हूँ डैबिंग मोशन पे, फिर उसे अपने इनर कॉर्नर की तरफ अच्छे से एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से मैं ब्लेंड कर दे रही हूँ। फिर मैं एक क्लीन ब्रश के हेल्प से सभी कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। और इसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश लेके ब्लैक कलर को पिक कर रही हूँ, और अपने आउटर वी पे अप्लाई करके उसे एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेके सर्कुलर मोशन पे ब्लेंड कर दे रही हूँ। गाइस, यहाँ पे ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो इसीलिए आपको भी अच्छे से प्रॉपरली ध्यान देके ब्लेंडिंग करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और इसके बाद मैं वही स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर लिया है, उससे मैं अपना आईज पे हाफ कट क्रीज ड्रॉ कर ले रही हूँ अच्छे से, इससे आई मेकअप पे एक अच्छा लुक आएगा। और इसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे ड्रेस का कलर क्या है, सो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये वाला कलर पिक करके अपने फिंगर के हेल्प से अच्छे से मैंने जहाँ पे कट क्रीज ड्रॉ किया था वहाँ पे अप्लाई करके एक ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। जो कि आप लोग देख रहे हो कि मैंने
फर्स्ट मैट कलर अप्लाई किया था, इसीलिए मैं उसके ऊपर फिंगर के हेल्प से अच्छे से शिमर, वही शेड का शिमर कलर अप्लाई करके एक ब्रश के हेल्प से अच्छे से फिर से उसे ब्लेंड कर दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ब्लेंड करने के बाद अभी मैं रेड कलर को पिक करके सेंटर में अप्लाई करके उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। और उसके बाद मैं यहाँ पर लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर लिया है, इससे मैं आईलाइनर ड्रॉ करूँगी अभी। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे इनर कोना से स्टार्ट करके मैं यहाँ पे फर्स्ट थिन लाइनर ड्रॉ कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं आउटर कोना पे एक विंग क्रिएट कर रही हूँ, इससे हमारा आइज थोड़ा बड़ा दिखेगा। और इसको अभी मैं विंग से जोड़ के अभी सेंटर से लेके मैं अपना आईलाइनर को मोटा कर ले रही हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक आईलैश कर्लर लेके अपने आईलैशेस को कर्ल कर ले रही हूँ और नेक्स्ट मैं अपने आईलैशेस पे अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मेबलिन का कोलोसल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद मैं अभी आईलैशेस अप्लाई कर लूँगी। और इसके लिए मैं अभी ग्लू अप्लाई कर रही हूँ आईलैश पे। ग्लू अप्लाई करने के बाद मैं उसे अच्छे से अपने आईज पे लगा लूँगी। आईलैश अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे ऑफ कैमरा मेरी दूसरी आई मेकअप भी कंप्लीट कर लिया है मैंने यहाँ पे। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने बेस मेकअप के लिए अपने फेस को पहले ही प्रेप कर लिया था, सो इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट पैक का कलर करेक्टिंग यूज़ कर रही हूँ। कलर करेक्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे पैक का ऑरेंज कलर करेक्टर लिया है, इससे मेरे जितने भी थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स है वो सभी हाइड हो जाएगा। और अभी मैं फाउंडेशन के लिए यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये पेन स्टिक फाउंडेशन ले रही हूँ। अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ये, इसको मैं अभी अपने फेस पे और नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और उसे एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आप आसाम से हो या कहीं से भी हो, अगर आपको ये इसे लुक में फ़ोटोशूट करना है या किसी फैशन शो में आपने हिस्सा लिया है और अगर आपको किसी ट्रेडिशनल वेयर में आप सोच रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट करोगे, तो आप ये वाला लुक ट्राई कर सकते हो। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा और सभी को पसंद आएगा। बस आपको सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है और अपना लुक क्रिएट करना है। और फ्रेंड्स, अभी मैं एक मेकअप सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ और एक ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, उसे ब्यूटी ब्लेंडर पे सेटिंग स्प्रे को स्प्रे कर लूँगी और अपने फेस पे इसे डैप डैप कर दूँगी। इससे हमारा जो फाउंडेशन है वो काला नहीं पड़ेगा और हमारा मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और अभी मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर लिया है, इससे मैं मुझे जहाँ जहाँ मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड करना है और मुझे जहाँ जहाँ हाइलाइट्स करना है मैं वहाँ पर अप्लाई कर लूँगी स्विस ब्यूटी के इस लिक्विड कंसीलर को। कंसीलर को अप्लाई करने के बाद मैं अभी यहाँ पे एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो कि मैं यहाँ पे डैप डैप करके ऐसे इतना अच्छे से अपने कंसीलर को ब्लेंड कर ले रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको भी पूरे टाइम लेके ऐसे ही डैप डैप करके अपने कंसीलर को ब्लेंड करना है, इसे रगड़ना नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऐसे डेप डेप करके अपने कंसीलर को ब्लेंड करोगे तो हमारा बेस मेकअप जो है वो केकी नहीं दिखेगा और इससे एक स्मूथ फिनिश आएगी बेस मेकअप में। और इसके बाद अभी मैं एक बड़ा सा फ्लफी ब्रश लेके अपने पूरे बेस मेकअप को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। और मैं अपने पूरे फेस को सेट करने के बाद यहाँ पर अपने फेस को थोड़ा सा कट देने के लिए मैं यहाँ पर पाउडर कंट्रोल अप्लाई कर रही हूँ। और पाउडर कंट्रो को लेके मुझे जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा काट देना है मैं वहाँ वहाँ अप्लाई कर ले रही हूँ पाउडर कंट्रो को और उसे एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके मैं फिर से उसे ब्लेंड कर दूँगी। ऐसे करने से हमारा फेस थोड़ा शार्प दिखेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपका फेस साइज भी ऐसे बहुत बड़ा है तो आप ऐसे कंट्रोल करके आप अपने फेस को एक अच्छा कट दे सकते हो और शार्प दिखा सकते हो। इसके लिए आप क्रीम कंट्रोल या पाउडर कंट्रोल दोनों का ही यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट मैं अपने फेस को अच्छे से बेकिंग करने के लिए मैं यहाँ पे लूज पाउडर लेके अपने आइस के नीचे अप्लाई कर ले रही हूँ और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे बेकिंग करना है मैं वहाँ पे इसे अप्लाई कर ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, ऐसे ही पाउडर को 5 मिनट्स हमारे फेस पे ऐसे ही रहने देना है, सो इसीलिए मैं अपने लोअर लेस लाइन पर अच्छे से स्मच कर ले रही हूँ। और स्मच करने के लिए मैं वही ब्राउन कलर को पिक करके अपने
लोअर लेस लाइन पे अप्लाई कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं पिंक कलर का शेड लेके अपने लोअर लेस लाइन को अच्छे से स्मज कर ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं यहाँ पे अपने आईज पे कोई भी काजल अप्लाई नहीं कर रही हूँ, सो इसीलिए मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट का ही ब्लैक कलर को पिक करके अपने आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करके उसे स्मज कर दे रही हूँ। ऐसे करने से आईज पे एक बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और ब्लैक कलर को स्मच करने के बाद मैं अभी यहाँ पे एक स्मॉल क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेके सभी कलर को अच्छे से एक बार फिर से स्मच कर दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, अभी मैं एक बड़ा सा फ्लफी ब्रश लेके जो पाउडर अप्लाई करके रखी थी बेकिंग के लिए उसे अब रिमूव कर लूँगी। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई किया था, सॉरी गलती से वो वाला क्लिप मुझसे डिलीट हो गया, सो इसीलिए मैं आप लोगों को वो क्लिप दिखा नहीं पाई। और उसके बाद मैं अभी अपने फेस पे हाइलाइटिंग कर ले रही हूँ। हाइलाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे मेकअप रिवोल्यूशन का हाइलाइटर लिया है और उससे मुझे जहाँ जहाँ हाइलाइट करना है मैं वहाँ पर अप्लाई कर ले रही हूँ हाइलाइटर को अच्छे से। और हाइलाइटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे अपने लिप्स पे लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर का शेड पिक किया है और मैंने पहले ही पिंक कलर का लिप बाम अप्लाई कर लिया था, सो इसीलिए मैं लिक्विड लिपस्टिक लेके अपने लिप्स पे अप्लाई कर ले रही हूँ। अगर आप भी लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो तो पहले ही लिप बाम अप्लाई कर लो और उसके बाद लिप लाइनर से अपने लिप्स को ड्रॉ कर लो और उसके बाद लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करना। और इसके बाद मैं अभी एक मेकअप सेटिंग स्प्रे लेके अपने पूरे मेकअप को सेट कर लूँगी। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे मस्कारा लेके अपने लोअर लेसेस पे मस्कारा को अप्लाई कर ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। सो मैं ऑफ कैमरा अपने ज्वेलरीज और लाल बिंदी लगा के आप लोगों के सामने आ गई हूँ। सो कैसा लगा आप लोगों को ये वाला मेकअप लुक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए। और आगे ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर आपके मन में कोई डाउट्स या क्वेश्चंस है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।